ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले चैप्टर वन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आपने क्लास 11 में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ा था उसका बहुत सारा नॉलेज इसमें जो है यूज़ होने वाला। तो जो बेसिक चीज़ आपने क्लास 11 में पढ़ी थी वो मैंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम इन डेप्थ इसमें जाएंगे धीरे धीरे। इसके क्वेश्चन करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझें। इसको अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको इंटीग्रेशन में भी हेल्प मिलेगा। एंड आप जब कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के लिए बैठेंगे, जेई वगैरह, तो उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग धीरे धीरे इसको समझते हुए उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई एक्सरसाइज में जंप किया, सॉल्व किया, हो गया। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज वही चीज़ हम इसमें करने वाले, कॉन्सेप्ट को समझने वाले, ठीक है। तो पहले हम याद ताज़ा कर लेते, अपने याद दिला लेते खुद को कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके डोमेन क्या क्या थे और रेंज क्या क्या था। ये आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने बस उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे। साइन का जो डोमेन था वो कोई भी रियल नंबर, साइन क्या क्या उसका एंगल का वैल्यू लगाते हैं तो कोई भी रियल नंबर से हम ले सकते हैं। तो साइन का डोमेन था रियल नंबर, जबकि उसका रेंज -1 से 1 तक के बीच में। आपने ग्राफ देखा होगा ना साइन का, इस तरीके का ग्राफ होता था, है ना। तो पूरा मैं इन डेप्थ नहीं घुसूंगा क्लास 11 का पार्ट में, जस्ट आप इसका डोमेन और रेंज देख लीजिए सबका, कॉपी में इसको नोट भी कर लेना। कॉस का रियल नंबर 2, क्लोज इंटरवल में -1 to 1, ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल मैंने समझाया हुआ है आपको। टेन का क्या था, रियल नंबर से क्या होता था x, और x का वैल्यू क्या होता था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एंड n जो है z को बिलोंग कर, मतलब जितने भी वैल्यूज आएंगे रियल नंबर से आपको ये x को माइनस कर देना होगा। ये जो वैल्यूज है, मतलब जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, पाई बाई 2 है, उसको माइनस कर देना होगा। उसका रीज़न है कि उसमें tan जो है नॉट डिफाइन हो जाता है अप टू 2r, ठीक है। सेम cot r का भी r माइनस, आपको ये वाला चीज़ जो एन पाई जो है वैल्यूज है एक्स का वो माइनस कर देना होगा। एन यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, 2r। सेक का रियल नंबर 2, ये चीज़ आपको हटा देना होगा रियल नंबर से, 2 रियल नंबर माइनस -1 to 1, ये ओपन इंटरवल है, ध्यान देना है, पर क्लोज इंटरवल था, ये ओपन इंटरवल है। इसके भी रीज़न होते हैं, सब कुछ क्लास 11 में जो है समझा होगा आपने, ये 11 का पार्ट है। मैं जस्ट यहाँ पर जो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, डोमेन, कोडोमेन, या बोल सकते हैं आप रेंज, ज़्यादा स्पेसिफिक अगर हूँ तो डोमेन एंड रेंज, ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ने वाले इनवर्स, इनवर्स में डोमेन और रेंज का ही खेल होता है। कोसेक का जो डोमेन था वो रियल नंबर से, इसको हटा के 2, ये हो जाता उसका रेंज। तो इसको हम रहने देंगे आज पूरे क्लास में, इधर रहेगा, बाकी जो भी समझाने वाला पार्ट होगा वो यहाँ पे करूँगा। और अल्टीमेटली लास्ट में मैं इस क्लास के लास्ट में मैं आपको एक और टेबल दूंगा जिसमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको एक इनवर्स में दिलाऊंगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये सबसे, मतलब आप बोल लीजिए कि बहुत सारे फॉर्मूलाज वाला चैप्टर है। ये चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूलाज है, शायद वो आपको दूसरे कोई चैप्टर में मिलेगा नहीं, ठीक है, क्लास 12 के मैथमेटिक्स में। और इसके कॉन्सेप्ट को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप जो क्लास 12 का बोर्ड को अच्छे से देना चाहते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स भी है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। प्लस आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं बोर्ड के बाद, ठीक है, एंट्रेंस वगैरह, उसमें भी ये आपका यूज़ होगा, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया डोमेन एंड रेंज, इसका बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मैं बड़े प्यार से, आराम से जो है डीपली बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज है इसमें, इसमें इनवर्स है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हमने रिकॉल कर लिया थोड़ा बहुत कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो डोमेन से, ये डोमेन है, ये इसका रेंज है। नाउ इनवर्स, इनवर्स के बारे में हमने अभी अभी जस्ट चैप्टर 1 में जो है इनवर्स पढ़ के हमने उसको ख़त्म किया। अगर किसी ने उसको ध्यान से नहीं समझा है तो अभी थोड़ा सा और सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर से मैं उसको रिकॉल कराने वाला हूँ, क्योंकि बिना उसके कॉन्सेप्ट के ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को समझना जो है मुश्किल है, ठीक है। तो हम पहले रिकॉल कर लेते, कोई भी फंक्शन को, कोई भी रिलेशन को फंक्शन पहले कब बोलते हैं हम लोग कोई भी रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह में उतना पीछे नहीं जा रहा हूँ,
यहीं से स्टार्ट करो। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन। जिसने चैप्टर वन में इस चीज़ को नहीं समझा है, मैं इन शॉर्ट फिर से बता रहा हूँ, तो अच्छे से समझ लेना। मतलब चैप्टर वन में अगर मिस कर गए या समझ में नहीं आया, तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज ए फंक्शन। अब ये स्पेशल टाइप क्या होना चाहिए, स्पेशल टाइप में क्या आता है? स्पेशल टाइप में ये होता है कि नंबर वन, कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट लेफ्ट इन द डोमेन। अब मैं इसको डायग्राम से भी समझाने वाला हूँ। डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए अगर उसको आप फंक्शन बनाना चाहते हैं तो। दूसरा बात क्या है कि दूसरा बात यह है कि वन एलिमेंट इन डोमेन शुड नॉट बी रिलेटेड टू टू एलिमेंट्स इन कोडोमेन। अगर ये दो बातें, जैसे कि अगर ये दो बातें हो जाती है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। क्या कहने का मतलब है, चलो ये देख लेते हैं। 1, 2, 3 और ये मान लीजिए x और x टू y एफ एक्स एक्स फंक्शन है, फंक्शन हम बता रहे हैं। तो फंक्शन ये कब होगा, पहले तो नहीं लिख सकते, लेकिन फंक्शन कब होगा अगर इस डोमेन में से कोई भी एलिमेंट नहीं छूटे। जैसे कि 1 का रिलेशन a से हो गया, 2 का c से हो गया, 3 का b से हो गया, तो ये जो हो गया फंक्शन हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए सिर्फ 1 रिलेटेड टू a और 2 रिलेटेड टू सी, सी जो है 3 जो है इसमें छूट जाता, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बोल रहा है देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट लेफ्ट इन द डोमेन, तो डोमेन में एक एलिमेंट लेफ्ट हो गया, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन होने के लिए क्या फर्स्ट कंडीशन है कि आपका सारा का सारा एलिमेंट जो डोमेन में है वो यूज हो जाने चाहिए। और दूसरा क्या बोल रहा है कि वन एलिमेंट इन द डोमेन शुड नॉट बी रिलेटेड टू टू एलिमेंट्स इन कोडोमेन। जैसे कि फर्स्ट वाला कंडीशन ये रहा कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो डोमेन में है वो यूज हो जाने चाहिए, चलो यूज हो जा रहा है, लेकिन दो एलिमेंट का जो है, एक एलिमेंट का जो है इसमें अगर दो इमेज है, जैसे कि मान लीजिए 2 का सी से भी रिलेटेड है, फिर 1 को भी ले लेते हैं जो सी से रिलेटेड है, तो यहां पर एक एलिमेंट का दो इमेज हो जा रहा है। तो अगर ऐसा भी केस है कि एक एलिमेंट का दो इमेज हो जा रहा है तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फंक्शन होने के लिए सिंपल कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो सब यूज हो जाना पड़ेगा, एंड कोई भी दो कोई भी एक एलिमेंट का दो इमेज वाई में नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। रिलेशन हो सकता है लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन। और वो स्पेशल टाइप क्या है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रहेगा, एंड वन एलिमेंट इन डोमेन शुड नॉट बी रिलेटेड टू टू एलिमेंट इन कोडोमेन। कोई भी एक एलिमेंट जो है, जैसे यहाँ पे दिखाया 1 जो है दो एलिमेंट से रिलेटेड है, ए से भी रिलेटेड है एंड सी से भी रिलेटेड है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। तो ये तो हमने फंक्शन का रिकॉल कर लिया। अब हम रिकॉल करते हैं कि इनवर्स हमने जो पढ़ा था वो इनवर्स फंक्शन क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, ये हमने पिछले क्लासेस में आपका चैप्टर 1 पढ़ते समय ये पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, है ना। बाइजेक्टिव वर्ड अगर याद ना हो तो मैं और सिंपल करके बता देता हूँ। जब फंक्शन 1, 1 एंड ऑन टू होगा, ठीक है, एंड ऑन टू। तो कोई भी फंक्शन जब 1, 1 या ऑन टू होता है तब वो फंक्शन का जो है इनवर्स हम निकाल सकते हैं। इनवर्स का सिंपल मीनिंग क्या है, सिंपल अगर डायग्राम से हम देखें और सिंपल तरीके से, जैसे कि मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन जो है एक्स टू वाई एफ एक्स फंक्शन है, 1, 2, 3 ए बी सी, 1 से ए रिलेटेड है, 2 से सी रिलेटेड है, 3 से बी रिलेटेड, तो ये फंक्शन हो गया। नो, इसका इनवर्स मतलब क्या होगा, जब हम इनवर्स करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा y टू x, तब a से जैसे यहाँ पे 1 से a है तो a से 1 होना चाहिए, c से 2 होना चाहिए,
सी किस से रिलेटेड होना चाहिए, टू से मैं इसको ब्रैकेट में दिखाता हूँ ज़्यादा समझ आएगा। ए जो है वन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद सी जो है वो टू से रिलेटेड होना चाहिए एंड बी जो है वो थ्री से रिलेटेड होना चाहिए। अगर एक्स टू वाई, वन टू वन ए है, टू सी है और थ्री बी है, तो वाई टू एक्स होना चाहिए ए वन बी थ्री एंड सी टू, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये जो है एक इन्वर्स फंक्शन है, अदरवाइज इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकता। तो इन्वर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। ना वन वन का मतलब क्या है कि फंक्शन वन वन सभी एलिमेंट जो डोमेन में है उसका सबका जो है एक ही इमेज है, ठीक है। जैसे कि वन वन का मीनिंग को हम रिकॉल कर रहे हैं, वन टू थ्री, देखिए जो जिनको ये समझ में आ गया था उनके लिए तो बहुत अच्छा है, रिवाइज हो, लेकिन जिनको नहीं आया था उनके लिए एक चांस है, इसलिए मैं क्विकली इसको कवर कर रहा हूँ। तो वन वन का मीनिंग यही है कि सबका एक ही इमेज हो, सब प्री इमेज का एक ही इमेज हो, ये हो जाता है वन वन फंक्शन। ये इसमें छूट भी सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, वन टू थ्री ए बी सी, ये जो है वन वन फंक्शन है, ठीक है। और ऑनटो का क्या मतलब है, ऑनटो का मतलब है ये कि आपका को डोमेन में से कुछ छूटना नहीं चाहिए, ये हो गया ऑनटो फंक्शन। वन वन फंक्शन कि सभी का जो है वन वन में ये छूट रहा है नहीं छूट रहा है ये नहीं देखते, वन वन में हम देख रहे हैं कि एक का एक के साथ रिलेशन है या नहीं। अगर एक का एक ही के साथ रिलेशन है दैट मीन्स ये वन वन है, अगर एक का दो के दो के साथ रिलेशन हो जाता है तो वो हो जाएगा जैसे कि ए का वन के साथ भी है और टू के साथ भी है, तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये होगा तो फंक्शन नहीं हो पाया। अगर ऐसा है वन ए टू ए थ्री सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन तो रहेगा क्योंकि सारा का सारा इसमें यूज हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये किस तरीके का फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा, सॉरी मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन नहीं रहेगा, ठीक है। तो वन वन का मतलब क्या होगा कि दो प्री इमेज का एक इमेज नहीं हो सकता, सबका एक ही इमेज होगा, वन का ए टू का बी थ्री का सी, ऐसा। और वन ऑनटो का मतलब क्या है कि ऑनटो का मतलब है सारा का सारा जो एलिमेंट है कोडोमेन में वो रेंज हो जाना चाहिए, मतलब सारा एलिमेंट यूज हो जाना चाहिए। नाउ इन्वर्स होने के लिए जो है वन वन सेम फंक्शन को वन वन भी होना पड़ेगा, ऑनटो भी होना पड़ेगा, अदरवाइज वो इन्वर्स नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा वो दिखा देता हूँ आपको, इन्वर्स कैसे नहीं एग्जिस्ट करेगा उसका। मान लीजिए एक फंक्शन है सिर्फ वन वन है, ऐसा लेते हैं कि फंक्शन वन वन है लेकिन ऑनटो नहीं है, ए बी सी डी, तो ये हमने एक फंक्शन ले लिया, इसमें क्या है वन के साथ बी है, टू के साथ ए है एंड थ्री के साथ सी है, ठीक है, ये एक्स एंड वाई, एक्स टू वाई। तो इन्वर्स होने का मतलब क्या है कि एक्स से वाई रिलेटेड है तो वाई टू एक्स भी होना चाहिए। तो जब आप वाई टू एक्स मैप करेंगे, वाई ए बी सी डी इसको पहले लिख दीजिए एंड वन टू थ्री इसको बाद में लिख दीजिए। तो देखिए वन से बी था है ना, तो इसका मतलब बी से वन होगा, टू से ए था इसका मतलब ए से टू होगा, थ्री से सी था इसका मतलब सी से थ्री होगा। तो क्या ये फंक्शन हुआ, ये तो जब हम इसका इन्वर्स कर रहे हैं, ये वन वन है सिर्फ, ऑनटो नहीं है, वन वन लेकिन ये ऑनटो नहीं है, तो जब इसका हम इन्वर्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फंक्शन ही नहीं रह रहा है। क्यों फंक्शन नहीं रह रहा है, क्योंकि इस समय पे ये डोमेन बन जाता है हमारा और डोमेन में ये एलिमेंट छूट जा रहा है। जब डोमेन में कोई एलिमेंट छूट जाता है तो वो फंक्शन नहीं रहता है, तो इसका मतलब सिर्फ वन वन होने से वो फंक्शन इन्वर्स नहीं होगा। तो क्या सिर्फ ऑनटो होने से ये फंक्शन इन्वर्स होगा, वो भी देख लेते हैं। चलिए एक ऑनटो फंक्शन मैं यहाँ पे लेता हूँ, सिर्फ ऑनटो, वन वन नहीं होगा, सिर्फ ऑनटो होगा, तो वन टू थ्री, ठीक है, और ए बी, ओके। तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया, ऑनटो फंक्शन या फिर मैनी वन फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैनी वन क्यों है, क्योंकि वन और थ्री ए से रिलेटेड है, बट ये ऑनटो तो है। ऑनटो क्यों है, क्योंकि रेंज का सारा एलिमेंट यूज हो चुका है। अब देखते हैं इन्वर्स इसका हो सकता है कि नहीं। यहां पर क्या है, वन ए टू बी एंड अगेन थ्री ए, रेंज रिपीट हो रहा है। अब इसका इन्वर्स कर सकते हैं कि नहीं, देखो इन्वर्स करके देख लो इसका, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। देखो ए वन का ए के साथ था तो ए का वन के साथ होगा, बी का टू के साथ था तो बी का टू के साथ होगा,
फिर थ्री का ए के साथ था तो ए का थ्री के साथ होगा, तो ये भी फंक्शन के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा है। क्यों? फंक्शन का जो दूसरा डेफिनेशन, दूसरा जो पॉइंट था जो मैंने याद दिलाया आपको, उसमें क्या लिखा था कि एक प्री इमेज का दो इमेज नहीं हो सकता। ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये वाला सिचुएशन पॉसिबल है कि दो अलग अलग प्री इमेज का एक इमेज हो, दो अलग अलग प्री इमेज का, ये बात को समझना, दो अलग अलग प्री इमेज का एक इमेज, लेकिन एक प्री इमेज का दो प्री इमेज अगर है, सॉरी एक प्री इमेज का दो इमेज अगर है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ वन वन है कोई फंक्शन तो भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर सिर्फ ऑन्टो है तो भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक फंक्शन के वन वन और ऑन्टो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसका वन वन और ऑन्टो दोनों होना जरूरी है। अब एक फंक्शन ले लेते हैं वन टू थ्री जो कि वन वन ऑन्टो दोनों होगा और देखेंगे कि क्या इसका इन्वर्स हम निकाल पा रहे हैं। बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे इसका इन्वर्स। देखिए, इसका ए बी सी इधर ला दीजिए और वन टू थ्री इधर ला दीजिए, तो वन के साथ ए था यानी ए के साथ वन, टू के साथ बी था यानी बी के साथ टू, थ्री के साथ सी था यानी सी के साथ थ्री। तो ये हमारा आसानी से आ गया इन्वर्स। तो ये जो डिस्कशन था ये यही दिखाने के लिए आपको था कि फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ज़रूर है कि वो फंक्शन वन वन या ऑन्टो होना ही होगा। अगर वो फंक्शन वन वन ऑन्टो नहीं है तो वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला नॉलेज जो है भरपूर चाहिए हमको इस चीज़ को समझने के लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको ये रिकॉल करा दूँ इन्वर्स का क्या मतलब था। तो ये इन्वर्स का यही था कि कोई भी फंक्शन अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या फिर अगर हमको उसका इन्वर्स निकालना है तो ये ज़रूरी होगा कि वो फंक्शन वन वन है या ऑन्टो नहीं है, ये हम ज़रूर से एक बार चेक कर लें, क्योंकि ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि वन वन ऑन्टो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो मैं अपने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद दिला दिया 11 का और इन्वर्स क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट भी एक बार रिफ्रेश कर दिया। अब धीरे धीरे हम चैप्टर में घुसने जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, डू वी हैव इन्वर्स ऑफ साइन। साइन आप देख रहे हैं, साइन क्या है, रियल नंबर्स से माइनस वन से वन। ठीक है, तो उसका क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, डोमेन देखिए उसका नेचुरल डोमेन क्या है, व्हाट इज द नेचुरल डोमेन ऑफ साइन, व्हाट इज द नेचुरल डोमेन ऑफ साइन। ठीक है, साइन का जो नेचुरल डोमेन है वो क्या है, यहां से दिख रहा है ना, इसलिए मैंने इसको रखा है यहां पे। साइन का जो नेचुरल डोमेन है वो क्या है, आर है। एक्चुअली साइन एक्स जब हम लिखते हैं ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ एंगल होता है, और एंगल तो आप रियल नंबर्स में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो नेचुरल डोमेन है साइन का वो क्या है, वो है आर, मतलब ऑल रियल नंबर्स जो है साइन का डोमेन बन जाता है, और उसका जो वैल्यू आता है साइन का वो हमको माइनस वन से लेकर वन तक के बीच, वन तक मिलता है, माइनस वन और वन भी इंक्लूडेड है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में दिखाया हुआ है। तो अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करने से क्या होना चाहिए, माइनस वन से लेकर वन टू आर, ये होना चाहिए साइन इन्वर्स एक्स। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये मतलब ट्रू है, या फिर बोल सकते हैं क्या ये इन्वर्स मतलब साइन इन्वर्स है। ठीक है, इन नेचुरल डोमेन, या फिर इन स्पेसिफिक होने के लिए हम ये भी पूछ सकते हैं, डू वी हैव इन्वर्स ऑफ साइन इन इट्स नेचुरल डोमेन। तो चलिए इसका कोई आंसर अभी हम लोग फाइंड करते हैं। इसी के लिए हमने इन वन वन या जो ऑन्टो है इस चीज़ को एक बार रिवाइज किया। हम वही चीज़ इसमें चेक करने वाले हैं कि क्या ये फंक्शन वन वन और ऑन्टो है, ये जो फंक्शन है क्या ये वन वन ऑन्टो है। हम एक चीज़ का करेंगे, बाकी सारा चीज़ जो है आप आसानी से कर पाएंगे, हम साइन का करेंगे सिर्फ आज के क्लास में, और बाकी सारा इसको अगर डीपली समझ गए तो ये सारा चीज़ जो है आप आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो फंक्शन है इससे हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। उससे भी और स्पेसिफिक होने अगर मैं जाऊं तो मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या ये फंक्शन वन वन और ऑन्टो है, क्योंकि इन्वर्स तभी होगा जब ये फंक्शन वन वन और ऑन्टो होगा। और क्वेश्चन में डू वी हैव इन्वर्स ऑफ साइन इन इट्स नेचुरल डोमेन, नेचुरल डोमेन क्या है साइन का, वो है आर। तो हम चेक करते हैं कि रियल नंबर से केस, रियल नंबर में साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन हमने लिया fx इज इक्वल टू साइन एक्स,
और नेचुरल डोमेन, यहाँ पर हम लोग को पता है कि इसका नेचुरल डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज क्या है इसका, रेंज है रेंज माइनस वन से वन। अपने साइन का डायग्राम देखा होगा, ऐसा ऐसा ऐसे जाता है ना, तो ये जो ग्राफ है ये 11 में अपने पढ़ा है फंक्शन का ग्राफ सब। नाउ अब देखते हैं कि जो इनवर्स ऑफ साइन एक्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। चलो डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम बहुत आसानी से समझा देता है। ये हमने साइन का डोमेन रखा और जो वैल्यूज हमको मिलेंगे उसको हमने यहाँ रखा, तो वैल्यूज तो बड़े आसानी से अब लिख देंगे, माइनस वन, जीरो और वन, और इसके बीच के वैल्यूज भी इसमें है। लेकिन जो डोमेन है वो रियल नंबर्स है, ठीक है, तो रियल नंबर्स में हम ले लेते हैं जीरो को, पाई को ले लेते हैं, पाई बाई टू, पाई है ना, इस तरीके से माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, जीरो पाई इधर से माइनस पाई एंड सो ऑन, इतना काफ़ी है समझाने के लिए, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं और ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। चलो समझते हैं ये वन वन ऑन टू है कि नहीं है। नाउ आपको याद होगा अपनी क्लास 11 में ये पढ़ा था, साइन जो है एक्स एक्सिस में हमेशा क्या वैल्यू देता है, एक्स एक्सिस में अगर साइन है तो वो हमेशा जीरो वैल्यू आपको देगा, ठीक है। जैसे कि साइन जीरो यहाँ पर अगर है तो ये क्या हो गया, साइन जीरो हो गया। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो ही होता है। उसके बाद ये आ गया पाई बाई टू, याद होगा, और ये फिर क्या हो गया, पाई हो गया। यहाँ पर फिर साइन का वैल्यू क्या है, जीरो साइन पाई, ये फिर एक्स एक्सिस में जितनी बार एक्स एक्सिस में आएगा साइन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। फिर जब इधर पे आ रहे ये थ्री पाई बाई टू हो गया, फिर यहाँ पर आते वापस कंप्लीट, यहाँ पर फिर से ये क्या हो गया, टू पाई हो गया, जीरो पाई टू पाई, ऐसा चलता रहेगा। तो फिर साइन टू पाई पे, साइन टू पाई पे साइन का वैल्यू अगेन जीरो हो जाएगा, तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। फिर नेगेटिव साइड में भी इसका वैल्यू, मतलब हम जो है ये बता सकते हैं, यहाँ से हमको ये क्लियर है कि साइन जीरो का वैल्यू भी जीरो है, साइन पाई का वैल्यू भी जीरो है, आगे चल के जो टू पाई है उसका वैल्यू भी जीरो है। तो ये फंक्शन तो भैया वन वन नहीं है, समझ में आया, ये फंक्शन वन वन नहीं है। द फंक्शन साइन एक्स इज नॉट वन वन इन इट्स नेचुरल डोमेन। अच्छा जब वन वन ही नहीं है, जब ये वन वन ही नहीं है तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियसली इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो साइन इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल डोमेन। हो गई बात फिर खत्म, चैप्टर खत्म। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते तो ये चैप्टर क्यों पढ़ना, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स उनके नेचुरल डोमेन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात को दिमाग में डाल दीजिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स उनके नेचुरल डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमको तो इनवर्स निकालना ही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके लिए क्या जो है इसमें करना होगा, वही चीज़ इसके बाद हम, ये मैं आपको समझा पाया आई थिंक कि क्यों ये साइन जो है उसके नेचुरल डोमेन पे क्या नहीं है, इनवर्स या इन्वर्टेबल नहीं है, या उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ये फंक्शन वन वन ही नहीं है। ये जो जीरो वैल्यूज़ है, बहुत सारे वैल्यूज़ पे हमको जीरो वैल्यू मिल रहा है ना, तो इसी वजह से ये क्या होगा, ये हमारा इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम किस पे बात कर रहे हैं, नेचुरल डोमेन पे, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा वही चीज़ आके अभी ढूंढेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो बुक में बहुत लंबा चौड़ा बात लिखा हुआ है, मैं क्रिस्प करके जितना हो सकता है और डीपली भी कि कुछ छूटे नहीं बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो
अभी तक तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि साइन जो है नेचुरल डोमेन पे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनफैक्ट उसी तरीके से आप सबका प्रूफ कर सकते हैं कि किसी का भी नेचुरल डोमेन पे जो है एग्जिस्ट, सबका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी जो मैंने आपको दे दी, तो क्योंकि इसका प्रूफ आता भी नहीं है, तो सबका जो है नेचुरल डोमेन पे क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हम ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमको उसका इन्वर्स तो निकालना ही है। अब उसको उसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या हमने दिमाग लगाया, हमने ये दिमाग लगाया कि हमने क्या किया, साइन का जो डोमेन है नेचुरल डोमेन हुआ है वो क्या है, रियल नंबर्स है, तो हम नेचुरल डोमेन ना लेकर हम उसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। हम उसका डोमेन को क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसमें बाउंड्री लगा दे रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा का वैल्यू या इससे कम का वैल्यू नहीं लेंगे। तो उसको हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ये फंक्शन का जो डोमेन है हम कहाँ से लेंगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक का लेंगे। अगर माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू तक का वैल्यू लेते हैं और रेंज ये रखते हैं तो ये जो फंक्शन होगा इसका इन्वर्स हम निकाल पाएंगे। इसी चीज़ को अभी समझते हैं हम लोग, ठीक है। हमने इससे पहले वो इन्वर्स नहीं होने का जो लॉजिक दिया था वो ये कहा था कि वो वन वन नहीं है, और वो काफ़ी था बताने के लिए, क्योंकि फंक्शन वन 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 टू दोनों होगा तभी जो है इन्वर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो वन वन नहीं था, इसलिए हमने बोला था कि वो क्या नहीं है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचुरल डोमेन पे। लेकिन अब हमने क्या किया, नेचुरल डोमेन को भैया दूर रख दिया, उसको रेस्ट्रिक्ट करके हमने केवल इतना सा वैल्यू लिया। मैं इसको डायग्राम से दिखाऊं आपको, देखिए ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन, आपने 11 में पढ़ाई है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो इधर पे एंगल का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जब जाते हैं इधर पे एंगल का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को पाई बाई टू मिल रहा है ना, मैंने क्या रखा है, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, और जब मैं यहाँ पर इधर से आ रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को माइनस पाई बाई टू मिल रहा है, समझे। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू उसको मैंने क्या किया, इस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू में साइन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया जो भी वैल्यू लेना है यहाँ से लेना है, ठीक है। तब देखो पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज भी आ जा रहे हैं, जीरो भी आ जा रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आ जा रहे हैं डोमेन में, है ना। पाई बाई टू भी इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, तो पाई बाई टू से लेकर माइनस पाई बाई टू तक का वैल्यू इसमें हमने लिया है। अब इसमें ये चेक करिए क्या ये इन्वर्स, मतलब जो हमने वहाँ पर लॉजिक दिया था कि बहुत सारे वैल्यूज का जीरो आ रहा है, तो इसमें ऐसा हो सकता है क्या, ये डायग्राम ही आपको बता रहा है कि फंक्शन वन वन है, ऑन टू तो रहेगा क्योंकि सबका कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें है, जैसे कि यहाँ पर अगर लेते हैं ठीक है साइन एक्स, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको वाई में मिलेगा, यहाँ पर लेते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू वाई में मिलेगा, यहाँ पर लेते हैं तो कुछ ना कुछ वाई में वैल्यू आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा इसमें पॉसिबल होगा कि x का दो वैल्यू पे y का एक सेम वैल्यू आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। उसमें हमने देखा था कि जीरो के केस में, चलो वो चेक कर लेते हैं, हमने ये हमको ये पता है कि साइन x का वैल्यू जीरो कब होता है, जब वो वैल्यू x एक्सिस में आता है। तो देखो साइन x का वैल्यू तो यहाँ पर x एक्सिस में एक ही बार आता है, दूसरी बार जाने का हमने मौका ही नहीं दिया, हमने यहीं पर ही इसको रोक दिया है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको यहीं पर ही रोक दिया है, दूसरी जगह पे अब हमने इसको इस पर जाने का मौका ही नहीं दिया। तो इसका मतलब वो जो कंडीशन हमारा आ रहा था साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, साइन पाई इज इक्वल टू जीरो एंड साइन टू पाई इज इक्वल टू जीरो, ये अब नौबत ही नहीं आ रहा है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, ये ना इसका बाहर जा सकता है ना इसके बाहर जा सकता है, समझ में। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन वन वन तो है ही और ऑन टू भी है, डायग्राम से दिख ही रहा है हमको कि हर एक x का वैल्यू के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये सारा का सारा जो y का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज हमको x में मिल ही रहा है। तो ये फंक्शन क्या हुआ, ये जो फंक्शन हुआ ये वन वन भी हुआ और ये ऑन टू भी हुआ। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमने लिया है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन हमने लिया है क्या, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसका डोमेन, टू इसका रेंज, माइनस वन से वन, ये क्या है, एक फंक्शन है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इस इन्वर्टेबल, या फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इसका इन्वर्स क्या होगा, अभी इसका इन्वर्स आप जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आप, साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू
माइनस वन टू वन से लेकर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, देखो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है इससे आसान तरीका नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत इजीली समझाने की कोशिश की, फिर से मैं बताता हूँ, रिकॉल करा देते हैं दोबारा से। देखिए यहाँ पर साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमको चाहिए इन्वर्स, जिद्दी है तो हमने क्या किया, इसका डोमेन को ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसका डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ले रहे हैं केवल। ठीक है, यानी कि x का जो भी वैल्यू उठाना है हमको यहाँ से यहाँ तक का उठाना है, पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ से आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ से आएंगे, और सभी का एक ही वैल्यू आपको मिलेगा, और सारे के सारे y का वैल्यूज का जो इमेज है वो आपका, मतलब हर एक y के कॉर्स, ये y एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, तो हर एक यहाँ से यहाँ तक कोई भी y आप उठा लीजिए उसका x आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये ऑनटो भी हो गया, और वन वन तो ये है ही, डायग्राम से क्लियरली पता लग रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है, अगर हम डोमेन इसको यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ये फंक्शन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, तब ये फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने इस साइड का लिया, आप तो इस यहाँ से भी ले सकते थे, है ना, यहाँ से भी ले सकते थे, या बोल सकते थे सर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि ये अगर मैं ऐसा करूँ कि ये पाई बाई टू है, यहाँ पर आके ये क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, फिर अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये थ्री पाई बाई टू हो जाता है, है ना, ये थ्री पाई बाई टू हो जाता है, और इस तरीके से घुमाने से ये इधर आ जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू। ये वाला जो बता रहा हूँ ना, ये 11 का चीज़ है, अगर वो नहीं क्लियर है तो शायद दिक्कत हो सकता है, उसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। जब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो ये पाई बाई टू पाई इधर आ जाता है थ्री पाई बाई टू, लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री बाई टू। तो यानी कि अगर हम इस डोमेन को माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस थ्री पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में रेस्ट्रिक्ट कर दे, यहाँ से यहाँ में रेस्ट्रिक्ट कर दे, ये समझ रहे हो, तो भी ये फंक्शन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर भी वही कहानी हो रहा है जो इस साइड में हो रहा था। तो इस तरीके से तो बहुत सारा ऐसा डोमेन हम निकाल सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं साइन को, जिसका हम इन्वर्स निकाल पाएंगे, रेंज वही होगा माइनस वन से वन तक ही होगा, लेकिन ये जो डोमेन है इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा आप ये क्लोज इंटरवल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसी को क्यों चूज़ किया, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप इसको भी ले सकते थे लेकिन आपने यही क्यों लिया। ठीक है, तो हमने ये इसलिए लिया क्योंकि इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच, एक यूनिकनेस होना चाहिए प्रिंसिपल, आप बुक में जब भी देखेंगे या कहीं पर भी आप पढ़ें तो ऑब्वियसली आपको प्रिंसिपल ब्रांच जो सब लोग यूज, प्रिंसिपल ब्रांच यही चीज़ लेकर सब लोग आपको समझाएंगे पढ़ाएंगे एक यूनिकनेस लाने के लिए, नहीं तो कोई भी अपने हिसाब से कोई भी डोमेन ले लेगा, कि एक्स बोलेगा कि मैं ये डोमेन लूँगा, वाई बोलेगा तो मैं कोई दूसरा डोमेन लूँगा, तो इसीलिए इसको यूनिक रखने के लिए क्या किया जाता है, प्रिंसिपल ब्रांच का यूज़ किया जाता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच। इस तरीके से सभी का जो है कोई ना कोई प्रिंसिपल ब्रांच होगा, उस तरीके से उसके बाद बाकी जितने भी ब्रांचेस आपको मिलेंगे उनको कहा जाएगा जनरल ब्रांच। ठीक है, और जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर उसमें कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग हमेशा प्रिंसिपल डोमेन को लेकर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या उसको लेकर ही करते हैं, अगर इसके अलावा कोई दूसरा लेना हो तो वो क्वेश्चन में या तो मेंशन रहेगा या फिर हमको ज़रूरत पड़े तो वो हमको मेंशन कर देना होगा कि हम इस ब्रांच का यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज जब भी कभी हम सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा प्रिंसिपल ब्रांच को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये जो आपने देखा था ये क्या नॉर्मल फंक्शन था, अब इनका सबका मैं आपको यहाँ पर एक इन्वर्स फंक्शन दूंगा, इन्वर्स में आपको उसका नेचुरल डोमेन नहीं मिलेगा, कुछ रेस्ट्रिक्टेड आपको मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा, अभी टेबल में दूंगा यहाँ पर लिखा हुआ पूरा, उसको आपको नोट करके रखना है। ठीक है, और ये हो सके तो दोनों साइड बाय साइड रखना, क्योंकि नॉर्मल जो डोमेन है उसमें तो हम इन्वर्स नहीं कर रहे, हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके उसके प्रिंसिपल ब्रांच पे जो है इन्वर्स बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अभी टेबल को दे देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस सभी का जो हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देखिए साइन वो साइन का था, ये इन्वर्स का था, ये साइन इन ये सभी मैंने इन्वर्स का दिया हुआ है, ये आपके बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 40 पे, भले ही बुक में हो लेकिन कॉपी में ये होना चाहिए। ठीक है, कॉपी में इसको ज़रूर लिखना। साइन इन्वर्स का डोमेन हम कहाँ से लेंगे, देखिए ये साइन है, साइन का रेंज क्या था, माइनस
हम इसको पूरा नहीं लेंगे, हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसको तो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब इसका इन्वर्स निकालेंगे ये रोबोट डोमेन बन जाएगा, इसीलिए माइनस वन से वन ये हमारा डोमेन बन गया। और रेंज क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये सारे क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। उसके बाद कॉस का आपका रेंज क्या था, माइनस वन से वन, तो इसका जब हम लोग इन्वर्स करेंगे डोमेन हो जाएगा माइनस वन से वन, और इसका जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो जीरो टू पाई होगा, जीरो टू पाई ध्यान रखना ये डायग्राम में, यहाँ से जीरो, जीरो से पाई होगा। जैसे कि साइन का क्या था, यहाँ से यहाँ तक था, है ना, तो कॉस का क्या होगा जीरो से पाई, इधर पॉजिटिव वैल्यू हो गए इधर नेगेटिव वैल्यू हो गए, कॉस के पॉजिटिव नेगेटिव सारा आ गया। तो इसमें भी आप वो जैसे वन 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 टू ने मैंने चेक करके बताया था आपको, इसके लिए ये चेक करके देख सकते हैं ये आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर टेन का रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स है, तो जब इसको इन्वर्स करेंगे हम लोग तो इसका डोमेन बन जाएगा आर, और रेंज क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, दोनों में डिफरेंस है ये ध्यान रखना, इसमें माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूडेड है, इसमें माइनस पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है। क्यों इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू में टेन जो है इन्फिनिटी हो जाता है ना, पाई बाई टू मतलब क्या 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री में हमेशा इन्फिनिटी रहता है टेन, तो इसीलिए इसमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का वैल्यू होगा, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं होगा। फिर देखिए कोसेक का मैंने लिखा है, तो कोसेक का जो आपका रेंज था फंक्शन में वो आर माइनस माइनस वन वन, तो इसका फिर क्या बन जाएगा जब हम इन्वर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा डोमेन आर माइनस माइनस वन माइनस वन, और इसका आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू से आपको जीरो को निकाल देना है यहाँ से, मतलब ये रहेगा पूरा जैसे साइन का है ना, माइनस साइन का पूरा रहेगा लेकिन उसमें से जीरो निकाल देना है, ठीक है। क्यों इसमें जीरो क्यों निकाल रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ पता है तो ये भी पता होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल रहे हैं माइनस वन वन निकाल रहे हैं, तो जीरो भी निकल जाएगा। फिर अगला आता है सेक इन्वर्स, तो सेक का आपका जो रेंज है वो है आर माइनस माइनस वन टू वन, ठीक है, तो सेक इन्वर्स करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा रेंज आर माइनस माइनस वन टू वन, एंड डोमेन इसका सॉरी रेंज जो इसका होगा ये डोमेन हो गया, और रेंज जो उसका होगा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू, ठीक है। और कॉट इन्वर्स, कॉट का देखिए जो रेंज है कॉट फंक्शन का वो है आर, तो जब हम इसका इन्वर्स करेंगे ये आर बन जाएगा इसका डोमेन, और इसका फिर जो रेंज होगा वो जीरो टू पाई होगा, जैसे कॉस का है ना जीरो टू पाई, बट इसमें जीरो और पाई इंक्लूडेड है क्लोज इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल में होगा जीरो टू पाई, ठीक है। नौ एक चीज़ पेज नंबर 41 आपके टेक्स्ट बुक में बोला गया है, आप लोगों ने कई बार ये चीज़ को देखा होगा कि यहाँ पर छोटा सा के बता देता हूँ ये, कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हम साइन एक्स स्क्वायर मानते हैं, मान भी सकते हैं, ट्रू भी ऐसा किया है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या साइन माइनस वन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर माइनस वन है, तो इसका आंसर होगा नहीं है, ये एक्चुअली इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ है। इसका मतलब है इनवर्स, इसका मतलब क्या है इनवर्स, और इसका मतलब है वन बाई साइन एक्स, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ट्रू है लेकिन माइनस वन के केस में ये चीज़ ट्रू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कभी आए तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका बुक में एज अ नोट दिया हुआ पेज नंबर 41 में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। एंड सारा मैंने यहाँ पर दे दिया है, ये चीज़ याद होनी चाहिए कि क्या क्या प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ लेकर ही काम होगा। और टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह दिए हुए हैं, इसको भी मैं समझाऊंगा आगे का जो क्लास है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर का जो जान है वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बता दूं आप रट्टा मारते जाएंगे सॉल्यूशन का, तो उसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आगे के एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से करेंगे हम लोग।